साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने त्योहारों के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चीता बाइक अभियान की शुरुआत करी। तस्वीरें हम आपको वसंत विहार डीसीपी ऑफिस की दिखा रहे हैं, जहां पर दीपावली के त्यौहार पर साउथ वेस्ट दिल्ली की आम गलियों से लेकर इलाके की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक और मार्केट में भीड़ लगने लगती है, जिसका फ़ायदा स्ट्रीट क्राइम करने वाले को होता है। भीड़भाड़ इलाके में बड़े ही आराम से वारदात को अंजाम देकर ये लोग फरार हो जाते हैं। इन्हीं वारदातों से आम लोगों को बचाने के लिए किसी तरह की घटना के बाद मौके पर तुरंत पहुंचने और उसे बचाने के लिए विशेष चीता बाइक टीम बनाई गई है। तस्वीर हम आपको वसंत विहार की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने अपने जवानों को सारी चीज़ें बताई और उसके बाद चीता बाइक निकल चुकी है सड़कों पर, जहाँ पर ये लोगों की सुरक्षा करेगी। सर, जिस तरीके से दिवाली का लेके मद्देनज़र रखते हुए आज आपने कुछ अभियान कर रहे हैं मोटरसाइकिल का, क्या है पूरा बताएं। देखिए, प्रथम तो फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गया है, अभी दशहरा ख़त्म हुआ है और 20 दिन बाद दीपावली का शुभ त्यौहार है। इसके अलावा साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रीट क्राइम पर रोकथाम लगाने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है, जिसमें हम लोगों ने ग्रुप पेट्रोलिंग को एक समाधान माना है। 15 मोटरसाइकिलों का एक जत्था हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और तीन तीन समूह में उनको चलाया जाएगा, तो 5 मोटरसाइकिल एक समूह में आएंगे। उन सबको निर्धारित रूट दे दिए गए हैं। स्ट्रीट क्राइम या उस रूट का कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइम जो हमारे संज्ञान में है, जो हमने उनको ब्रीफ कर दिया है, उसको माइंड में रखते हुए, उसको अपने दिमाग में रखते हुए वो लोग पेट्रोलिंग करेंगे और तमाम झुंड में ही करेंगे। 5 मोटरसाइकिलें साथ में चलेंगी। इससे क्या है कि क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो पब्लिक के माइंड में रहेगा कि पुलिस सड़कों पे है, एक विजिबिलिटी नज़र आएगी। और स्पेशली इनका जो समय रखा गया है फिक्स नहीं है, अच्छा, इनको कभी भी किसी भी टाइम पे हम लोग करेंगे। और न केवल सीपी की बल्कि हम सबकी यही वो रहेगी कि दिल्ली को इस फेस्टिव सीज़न में सुरक्षित बनाया जाए। क्या जैसे अगर कोई कॉल होते हैं तो सारे मोटरसाइकिल एक जगह पहुंच जाएंगे? देखिए, वो उनके हम लोगों ने आईसी निर्धारित किए हुए हैं, जो उनको जो कॉल साइन दिया हुआ है उनको रेडियो कम्युनिकेशन का सेट भी दिया हुआ है और उनके जो हमारे आईसी हैं वो एएसआई लेवल के अधिकारी हैं, तो उनको ये ब्रीफ किया जा चुका है कि उनके अपने विवेक पे है। अगर तो छोटी सी कॉल है कोई तो उस पर 5 को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो थाना लेवल पे या पीसीआर लेवल पे हैंडल हो सकती है। अगर कोई बड़ी कॉल होती है तो उस पर अपने विवेक से वो लोग जा पहुँच सकते हैं। क्या इस मोटरसाइकिल का नाम क्या रखे हैं? इन मोटरसाइकिलों का जो हमने कॉल साइन रखा है चीता रखा है और तीनों जो ग्रुप चलेंगे चीता 1, चीता 2 और चीता 3 के नाम से उनको हम लोग। ये कौन कौन से पॉइंट पे ये लोग पेट्रोलिंग करेंगे? नहीं बताऊँगा। ठीक है।